वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मॉर्निंग के आराम 10:30 होने वाले हैं। बारिश तो रुकी नहीं रही है और रुकेगी भी नहीं। मौसम चेक कर रहा था तो ऐसे बता रहा है, तो कुछ लोग नीचे भी निकल रहे हैं, उन्होंने भी रेनकोट वगैरह डाले हुए हैं। एटलीस्ट कुछ प्लेसेस घूम के जरूर जाएंगे जो खुले होंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं, यहाँ वाटरफॉल है। पानी वैसे बढ़ गया है, रात को तगड़ी बारिश हुई, मतलब कल से कंटिन्यूसली बारिश रुकी ही नहीं है। दलाई लामा टेम्पल खुला होगा, देखते हैं। मतलब काफ़ी सारी प्लेसेस तो हैं विजिट करने के लिए, मगर देखो विजिट कर पाते हैं नहीं, तो कोशिश करेंगे पूरा मतलब कुछ तो घूम के जाएं। एटलीस्ट पता लगे कि हम मैक्लोडगंज धर्मशाला आ रखे थे, ऐसा ना होना कि हमने जस्ट रोड ही रोड देख के चले गए, तो ये नहीं करना हमें। तो वर्थ इट होनी चाहिए हमारी ट्रिप, तो देखो कोशिश कर रहे हैं। वैसे इसमें काफ़ी मतलब एज़ कम्पेयर टू जैसे कल हमारी हालत ख़राब हो गई थी, हमारे पास कुछ नहीं था। रात को हमने ये लिया, नीचे मिल गया थी शॉप्स वगैरह, तो वहाँ पर मिल गया था रेनकोट वगैरह। तो चलो फिर मिलते हैं नीचे, ठीक है। सो गाइस, एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी मैक्लोडगंज जाओ तो देखो प्रॉपर मेन लोकेशन पे कहीं भी जाओ तो रूम कॉस्टली होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके मेन रोड है, मतलब वहाँ पे पार्किंग कर सकते हो, फोर व्हीलर टू व्हीलर दोनों की पार्किंग है। उसे ऊपर आओगे थोड़ा तो यहाँ पे शिवानी इंटरनेशनल होटल है, उसके थोड़ा ऊपर संदीप होम स्टे करके है, तो वहाँ पे ठीक है। मतलब ऑन एन एवरेज 800 से 1200 या 1500 के अराउंड रूम है, तो 1000 रुपये में मैंने ले लिया था और रूम काफ़ी अच्छा है यार, मतलब ठीक है, अच्छा है ना शिवम? हाँ रूम सही है। मतलब इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि काफ़ी सारे ट्रैवलर होते हैं और मैं ब्लॉगर हूँ, तो एटलीस्ट मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। अभी सीज़न चल रहा है, मतलब सीज़न की है तो सीज़न में भी मतलब ठीक है, ऑन एन एवरेज रेट ठीक है। ये भी हो चुका है पूरा पैक, हमने रात को यहाँ पे कपड़े डाल रखे सुखाने के लिए, यहाँ पे डाल रखे थे, यहाँ पे भी लटका रखे थे, यहाँ पे सारा मतलब कपड़े कपड़े हो रखे थे। अभी जस्ट बैग वगैरह पैक करें, बाइक हमने नीचे पार्क करी हुई है, जस्ट नीचे वहाँ पे पार्क करने के लिए एरिया है तो वहाँ पार्क करिए, और पार्किंग एरिया से थोड़ा ऊपर है हमारा रूम। इसने पता नहीं दोबारा निकाल लिया बैग वगैरह डाल के, फिर दोबारा डाल रहा है, मेरे को भी ये करना पड़ेगा, मुझे अभी याद आ रहा है। तो अभी चलते हैं नीचे, मिलते हैं रास्ते में, मिलते हैं। चलो हो गया रेडी? चलो तो गाइस, अभी कैमरे में भी आ रही है पूरी धुंध और बारिश आ रही है तगड़ी वाली, और कैमरे में पानी बैठ रहा है। तो A few moments later, गाइस दिस इज द मोमेंट ऑफ बारिश। वो ऊपर था यार हमारा होम स्टे, ये यहाँ पे शिवानी इंटरनेशनल आगे पे, तो उसे ऊपर जाओगे वहीं पीछे साइड है, या फिर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर भी जा सकते हो। और ये यहाँ यहीं पर जस्ट मेन रोड है नीचे पे, यहाँ पे हमने पार्क करी है गाड़ी, और ये लग्जरी होटल वगैरह मिल जाएंगे आपके, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है, मगर आप अगर मतलब आपको चाहिए इकोनॉमिकल तो आप ऊपर जा सकते हो उस साइड। और देखो लोकेशन देखो यार, अभी जाते हैं हम बक्शीनाथ टेम्पल जो कि है बैक साइड, और बक्शीनाथ वाटरफॉल भी है वो भी बैक साइड है, तो उस साइड चलते हैं और इसको देखिए ऊपर करने का प्रयास करते हैं। लोकेशन देखो यार, वैसे मज़ा आ रहा है। मेरा वो होता ना, मेरे पास कुछ इक्विपमेंट होता है इसको कवर करने के लिए, तो मज़ा आ जाना था। अभी बारिश आएगी तो बारिश तो पूरे कैमरे पे लग जाएगी, तो प्रॉपर व्यू नहीं आएगा, पर व्यू मज़ा आ रहा है। वैसे मैंने सोचा था कि बारिश में कैसे, अगर ऐसी बूंदाबांदी हल्की होती रही तो भी मज़ा आया। यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हो रखी है नीचे पे, और गाड़ी वैसे देखो रोड पूरी खाली खाली लग रही है, तो ये बेनिफिट है क्योंकि कल बहुत गंदा ट्रैफिक था, मतलब 5-6 किलोमीटर लंबी, मतलब यहाँ से लेके वो बैक काफ़ी पीछे तक पूरा ट्रैफिक, गंदा वाला ट्रैफिक था, तो बड़ी मुश्किल से आए थे हम यहाँ पर। तो ये बेनिफिट है बारिश होने का। यहाँ पे मेन आई थिंक यहाँ पे, तो चलते हैं यहाँ से बाहर से। तो गाइस ये यहाँ पे पॉन्ड टाइप के बने हुए हैं, नहाने के लिए भी है, यहाँ पे आप नहा भी सकते हैं, तो अभी यहाँ भी जाएंगे। और ये मेन है बक्शीनाथ टेम्पल, और ये देखो ये पेड़ देखो यार, मतलब नज़ारा बहुत सेक्सी है,
बस फ़ोन में पानी बैठ गया और मेरे को लग रहा है कि फ़ोन देखो ख़राब था हो रहा है, स्क्रीन वगैरह तो पानी बैठने की वजह से ख़राब भी हो सकता है। बट आई एम टेकिंग दिस रिस्क फॉर ऑल यू गाइस। हाँ बहुत चंगा ना मैं, ताकि मैं आपको वधिया से वधिया व्यू दिखा पाऊँ। तो गाइस अभी जुगाड़मेंट लगा लिया मैंने, दो पॉलिथीन है, पता नहीं कैसे दिख रहा होगा अंदर से, दिखना रहा, दो पॉलिथीन के अंदर मोबाइल को डाल दिए और ये देखो, अब देखो व्यू अब देखो गाइस व्यू रास्ते के नज़ारे लोग। अभी आ रहे हैं हम बख्शुनाग, कहाँ बख्शुनाग वाटरफॉल, ये यहाँ के पौंड वगैरह हैं, ये जस्ट बख्शुनाग टेम्पल है और ये वे टू बख्शुनाग वाटरफॉल है। बख्शुनाग ट्रैक वाटरफॉल, मैं तेरा। अरे वो वहाँ से पानी बह रहा है, वहाँ एक झरना है, वाटरफॉल है, ये बख्शुनाग वाटरफॉल है और यहाँ से देखो पूरा ट्रैकिंग का एरिया है, यहाँ से ऊपर ऊपर जाके और वहाँ, और ये वाटरफॉल हम जहाँ हमने स्टे करा था तो वो दिख रहा था ऊपर, गंदा हो पानी, मतलब पानी देख रहे हो, शू शू आवाज़ आ रही होगी पूरी, प्रॉपर पानी देखो ऐसा आ रहा है। रुको एक बार, एक पॉलिथीन वगैरह हटा के कोशिश करता हूँ, देखो यार आप व्यू प्रॉपर, मुझे पता ही नहीं लग रहा है, दिख ही नहीं रहा, वाटरफॉल का व्यू देखो गाइस, सेक्सी व्यू आ रखा है, मज़ा आ रहा भाई, बहुत मज़ा आ रहा भाई, भाई मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा व्यू है यहाँ पे, मतलब वाह भाई, पैसा वसूल है भाई। और रास्ते में आप जाओगे बख्शुनाग वाटरफॉल तो रास्ते में आपको ऐसी लोकेशंस मिल जाएंगी जहाँ पे आपको खाने वगैरह के लिए मिल जाएगा थोड़ा। तू मुंह चला छोटे, गूगल पे हर जगह चलता है। पीस इज़ द क्वालिटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग वायलेंस इज ऑफ द वीक, बहुत बढ़िया कोटेशन है। द हार्ट दैट लव और फ्लाई अनटिल यू फाइंड पीस, वो तो आप जानते हो क्या है, और लव एक्स वर्क एक्स लाइफ फाइटिंग एवरी डे, चेंज योर सेल्फ नॉट द नेचर, ये बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, चेंज योर सेल्फ नॉट द नेचर। 15 अगस्त को हम नेचर को इन्जॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है भाई और यहाँ पे भुट्टा वगैरह मिल जाएगा आपको, अभी लगाने रखा है क्योंकि अभी बारिश हो रही है। ये देखो यार वादियाँ, इन वादियों में क्या बढ़िया था गुरु अब हम बोल सकते हैं हम मैक्लोडगंज गए थे माता की वाह, ये काफ़ी अच्छा है देखो, चेंज और पूरा प्रॉपर डस्टबिन बनाया हुआ है और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल हमारा मूड पूरा स्पॉइल हो चुका था, आज हमारा मूड उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज हमें जो नज़ारा मिला था इवन वो जब धूप आती वो देखने को नहीं मिलता, बहुत ऐसा एवरी सिचुएशन एक एक्सपीरियंस लेके आती है और जो कल की सिचुएशन थी वो जो एक्सपीरियंस लेके आई है ये वाला एक्सपीरियंस है वो, जो कि काफ़ी अच्छा है। So guys, अभी हम पहुंच चुके हैं तिब्बत टेम्पल और मेरे को लगता है आई थिंक जो बख्शुनाग वाटरफॉल था वहाँ की अच्छे से वीडियो नहीं बन पाई होगी, ये देखो कैमरा कैसे हो चुका है क्योंकि बारिश है, इसके अंदर पैक कर रखा था मैंने इसके फ़ोन को। सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम दलाई लामा टेम्पल और ये यहाँ पे हमने जस्ट रेनकोट वगैरह उतारा क्योंकि रेनकोट पहन के अंदर नहीं जा सकते, अभी चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं चले। तो ये यहाँ से एंट्रेंस है, मास्क वगैरह पहनना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। क्या भैया
सो गाइस दलाई लामा टेंपल में हम कर चुके हैं एंटर। ये कुछ बाहर का व्यू है और वहाँ पे तिरंगा है और ये रोप वे है जो कि धर्मशाला से आ रहा है और ऊपर तक जा रहा है, यहीं तक है, मतलब निकलते हैं। वो देखो बंदर, देखो यार मज़े ले रहा है, ये भी भाई साहब मज़े ले रहे हैं। अब मेरा कैमरा तो हो चुका है पूरा गीला, ख़राब हो चुका है वैसे। अब मेरे को फ़ोन भी चेंज करना पड़ेगा लगता है, टूट भी चुका है, ख़राब भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, मतलब ख़राब हो गया टोटली कैमरा। फ़ोन किसी काम का नहीं रहा अभी, उस पर आवाज़ भी नहीं आ रही, उसका माइक वगैरह सारा ख़राब होने लग गया धीरे धीरे। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, वो फिर ऊपर जाते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं। वीडियो वगैरह शूट तो करने नहीं देंगे, तो जस्ट यहाँ पे पॉज करता हूँ और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके फिर निकलते हैं, आगे मिलते हैं। ये कुछ यहाँ से व्यू है बैक से, देख रहे हो ये रोप वे है और आगे कैप्चर करने नहीं देंगे, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो गाइस दोबारा हम रैप अप हो चुके हैं, तो अभी एग्जिट गेट है, ये नीचे एग्जिट गेट है दलाई लामा टेम्पल का। और अब यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। वैसे अभी दो लोकेशन बची हुई हैं, एक तो है डल लेक एंड एक चर्च है और एक यहाँ पे मठ है। वो तीन लोकेशन मकलोरगंज में बची हुई हैं, उसके बाद हम धर्मशाला जाएंगे या फिर हो सकता है हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे अभी यहाँ पे, देखते हैं कि क्या मतलब सीन बनता है। बारिश आ रही है अभी और ये कैमरा मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ये सेवन करने का फ़ोन है, वो रिस्क नहीं ले सकता, हमारे पास कुछ है भी नहीं। फिर मैं अपने फ़ोन के साथ रिस्क ले सकता हूँ, प्रॉपर ख़राब हो ही गया लगभग, तो मेरे को चेंज ही करना पड़ेगा। तो वो भी रैप अप हो चुका है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आगे के रास्ते में। अभी हम पहुंच चुके हैं गाइस डल लेक और ये कुछ इस तरीके का, यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी हैं, एक वहाँ पे है माता चिंतपूर्णी और एक वो है शिव मंदिर। और ये डल लेक है, यहाँ पे मतलब फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए काफ़ी अच्छी लोकेशन है। So guys, अभी हम आ चुके हैं जो शहीद हुए हैं उनके स्मार्क टाइप का बनाया गया है, ये देखो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमने परमिशन लिया आने के लिए, तो उन्होंने कहा कि चले जाओ, बट वो गेट है वो मतलब थोड़ा बंद करके जाना। वहाँ पे लिख रखा है इफ़ अ मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग ही इज़ आइदर लाइंग और ही इज़ अ गोरखा। और ये देखो काफ़ी अच्छा सा प्यारा सा लग रहा है गार्डन। ये हमारे हम प्योरा न्यूट्रल में लेके आया गाड़ी, पेट्रोल पंप का ही दिख नहीं रहा था, तो हमने कहा न्यूट्रल में चलते हैं आराम से, नीचे मिल जाए शायद धर्मशाला में, तो वहाँ पे पेट्रोल वगैरह भराएंगे। तो ये देखो अभी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं धर्मशाला में। तो गाइस फाइनली हम धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एंट्री फीस है 30 रुपये। मैं बैक के व्यू दिखाता हूँ, लाइट चल रही है तो ऊपर बारिश हो रही है बहुत तगड़ी वाली, मकलोडगंज वाली साइड। ये बिल्कुल धर्मशाला नीचे है, ग्राउंड देखते हैं मतलब ऐसे और का कि पूरा मतलब खुदाई वगैरह कर रखी है इन्होंने, बीच की जो मेन पिच है वो इन्होंने थोड़ा बचा रखी है, बाकी ग्राउंड की पूरी खुदाई हो रखी है, यहाँ पे पत्थर वगैरह इकट्ठे कर रखे हैं। और स्टेडियम ऐसे हमने देखा तो हमने फर्स्ट रिएक्शन था कि छोटा है, अब पता नहीं हमें छोटा लग रहा है या फिर क्या है, वो हम रिसर्च करेंगे इस पर, घर जाके देखेंगे कि हाँ ग्राउंड वाकई छोटा है या फिर हमें देखने में लग रहा है। हो सकता है हमें देखने में यहाँ से छोटा लग रहा हो, वहाँ पे जाके बड़ा दिखे, तो ये हमें अभी कंफर्म नहीं है।
वो बैक से एक बार व्यू देखो। हम जस्ट कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, इसके बाद निकलते हैं, देखते हैं। वैसे घूमने का कोई प्लान नहीं बन रहा, 4 भी बज चुके हैं, अभी वापस भी जाना अराउंड 4-5 घंटे तो लगेंगे, तो 9-10 बजे के अराउंड अभी निकलते हैं। 9-10 बजे के अराउंड हम घर पहुँचते हैं, तो अभी यहाँ से भी डायरेक्टली घर निकलते हैं। अभी कुछ खाया भी नहीं है, तो रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा तो वो खाएंगे कुछ एयरपोर्ट वाली साइड। तो यहाँ से निकलते हैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा के। चलो सो गाइस, अभी हम बगलामुखी टेंपल पहुँच चुके हैं और मैंने इसको बोला रुकते हैं, वैसे रुकने का कोई प्लान नहीं था पर अच्छा लग रहा था मेरे को व्यू, और यहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही है। तो ये नीचे है देखो, कितना सेक्सी लग रहा है ना, अच्छा व्यू लग रहा है और अभी फ़ोटो भी अच्छी आएंगी। वाह, मेरे बाल भी सही हो चुके हैं। और अभी उतारते हैं फाइनली ये, इस साइड तो बारिश बिल्कुल हुई होगी, थोड़ा बहुत लग रहा है पर इतनी नहीं हुई। तो अभी नीचे चलते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, अच्छा लग रहा है। तो चलो फिर नीचे चल, बगलामुखी टेम्पल रास्ते में पड़ता है। जब आप धर्मशाला और मक्लोडगंज जाओगे तो रास्ते में ही पड़ेगा, रास्ते में मतलब जाते हुए नहीं, आते हुए जब आ रहे हो आप रिटर्न, तो तब आप इस एरिया को एक्सप्लोर करो। यह है यहाँ का व्यू, काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये देखो बैक साइड से, फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं थोड़ी, उसके बाद मिलते हैं। अभी जस्ट निकल रहे हैं यहाँ से, तो अभी यहाँ से निकलेंगे और आगे देखते हैं, आगे जाके कहीं मतलब थोड़ा खाना खाएंगे। यहाँ से अभी देहरा आएगा, फिर उसके आगे ऊना वाली साइड आएगी, फिर जाके आएगा होशियारपुर, फिर आगे फगवाड़ा है, फिर लुधियाना आया। तो अभी काफ़ी डिस्टेंस है और वैसे जल्दी पहुँच गए यहाँ तक। अभी 6 बज रहे हैं, 6 बजने के लिए 6 मिनट है, और देखते हैं कितने 9-10 बजे तक तो हम पहुँच ही जाएंगे अराउंड लुधियाना। चलो अगर आने तो उसे रास्ते का भी दिखाता हूँ, फिर इन्जॉय करो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं रानीपुरा ना, रानीताल। हाँ, तो गाइस अभी हम रानीताल से आगे आ चुके हैं, लुधियाना वापस जाने जा रहे हैं मतलब। और इस साइड बारिश नहीं हुई है, और अभी जस्ट मैंने ये भी डाउन करा है, तो अभी जस्ट बाल वगैरह सुखा रहा हूँ। थोड़ी देर में कहीं पे ब्रेक लेंगे, वहाँ पे थोड़ा खाना खाएंगे क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया, और फिर निकलते हैं। फिर मैं चेंज करूँगा, मैं तो उतार दूँगा, ये रखूँगा। शिवम बोल रहा मैं नहीं उतारूँगा, बल्कि मैं ऐसे जाऊँगा घर पे, पता तो चले कि वहाँ पे बारिश तगड़ी हो रही थी, तो मैं उतार दूँगा। खैर चलो फिर मिलते हैं, रास्ते का व्यू एंजॉय करो, रास्ते का व्यू दिखाता हूँ, बहुत मस्त हो रहा है, ये दिख ही रहा होगा वैसे बैक। तो चलो फिर, I need someone to hold my mind. When the sun comes down and when I feel I've drowned, I need someone to hold. Can show you baby one more time when I fall asleep. Yeah, I need you with me by my side. It's all I know now. I need you with me by my side. पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।